शनिवार 4 मई की एकादशी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कही गई है। 4 मई को आप सभी व्रत करें, साथ ही 5 मई दिन रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:55 से 8:50 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। निश्चित ही आपकी भाग्य की रेखाएं प्रबल होगी। स्कंद पुराण में वैशाख महत्व में स्पष्ट स्वरूप में वर्णित है कि जो भक्तजन वैशाख महीने में बहुत अधिक विशेष नियम नहीं ले सकते, वह मात्र एकादशी व्रत के दिन इन सरल से कार्यों को कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही उसका दुर्भाग्य दूर होता है और कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाते हैं। आपको कब कैसे किस स्वरूप में उपाय करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बहुत सरल उपाय है, गुरुजी ने यह उपाय हरिहर का स्मरण करने के लिए हम सभी को बोला है। हरि अर्थात मेरे श्रीहरि विष्णु, हर अर्थात मेरे महादेव, तो हरिहर का स्मरण करना है आप सभी को। इस उपाय को आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को अगर आपके आसपास जो है आंवला वृक्ष हो तो वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। हरिहर का स्मरण करते हुए आपको एक कटोरी में कच्चा दूध लेना है। जैसा कि इस महीने वैसाख जो है महत्व में वर्णित है कि वृक्षों को सींचने का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ महत्व कहा गया है, तो आप सभी को यह उपाय या तो आंवला वृक्ष या पीपल वृक्ष या जो है बेलपत्र, इन तीन वृक्षों के नीचे कहीं भी आपको कर लेना है। अगर आसपास तीनों में से कोई एक वृक्ष मिल जाए तो गुरुजी कहते हैं उस स्थान पर आपको यह कर लेना है। आप सभी को आवश्यक रूप से कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा लेनी है हल्दी। पूर्वाभिमुख होकर आप सभी को 2 दीपक भी अपने साथ ले जाने हैं गोलबत्ती के, ठीक है जी। एक श्रीहरि विष्णु के ध्यान नाम का, एक जो है आप सभी महादेव के नाम का इसमें प्रयोग करेंगे। गुरुजी कहते हैं आप सभी को हरिहर का स्मरण करते हुए 2 दीपक लगाने हैं और सबसे पहले कच्चा जो दूध है जिसे आपने विशेष तौर पर गौमाता का लिया है, ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को संभव हो तो आपको जो है इन तीन वृक्षों में से किसी भी एक स्थान पर हरिहर का स्मरण करते हुए पूर्वाभिमुख होकर समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आप सभी को 2 दीपक लगाने हैं और आपको अपने मन की बात कहकर प्रणाम कर 7 परिक्रमा लगाकर अपने घर की तरफ आ जाना है। कहा जाता है जो भी एकादशी जो कि शनिवारी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में या आंवला वृक्ष की जड़ में या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्ची हल्दी और कच्चा दूध चढ़ा देता है, जल समर्पित कर देता है और 2 दीपक हरि और हर के नाम का जला देता है ना, उसका दुर्भाग्य दूर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कोई पैसा समय तो लगना है ही नहीं जी, अपने आप में इस उपाय को कर आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उपाय आप सभी को करके देखना है, लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय अपने आप में अद्भुत है। इस महीने जो है कोई ना कोई दान किया जाता है, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है विशेष नियम के तहत। इस महीने अगर आप जल शिव पर चढ़ा रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि वह दीपक वह जो जल है ना वह ठंडा होना चाहिए, अर्थात आपको कोई भी मिट्टी का पात्र ले लेना है। दूसरे उपाय में मिट्टी का कलश ले लीजिए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए और अपने जो है जल के लोटे में यह मिट्टी के पात्र का जल मिला लीजिए। उसके बाद सामान्य जल न चढ़ाते हुए एकादशी का और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वधा माता का स्मरण, जो कि विशेष तौर पर जो पितरों की नानी माँ है ना और जो पार्वती देवी की नानी है और पितरों की देवी कही गई है, उनके नाम का एक लंबी बत्ती का दीपक महादेव के मंदिर में आप सभी को जलाना है दूसरे उपाय में। और जो आप स्वधा 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 3 बार बोलकर ठंडा पानी, 2 उपाय इसमें लागू हो जाएंगे, एक तो स्वधा स्वधा हमें 3 बार बोलना है वह उपाय भी लागू हो जाएगा, साथ ही वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र का जलाभिषेक भी इसमें लाभदायक हो जाएगा। तो 2 उपाय एक में मिश्रित हो जाएंगे ना, तो यह और अधिक फल आपको प्रदत्त करने में सहायक होंगे। तो आपको 2 उपायों का फल एक साथ इतना चमत्कार स्वरूप में मिल जाएगा जो कि अपने आप में अद्भुत होगा। तो स्वधा 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 कहते हुए आपको मिट्टी के जल का पात्र जो है शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है और लंबी बत्ती का दीपक लगाना है, ताकि आपकी ऐसी मनोकामना पूर्ण हो कि आप कहें कि इससे मेरे पितृ भी तारण हो, उनको जो है परम सुख मिले, उनके जो है शिवलोक में स्थान निर्धारित हो। तो यह 2 उपाय आपको कर लेने हैं। देखिए कोई पैसा समय तो इनमें लगना ही नहीं है और इनके लाभ अनगिनत है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय। तीसरा सरल सा उपाय पीले फूलों की माला का है। आप जानते होंगे मेरे श्रीहरि विष्णु को पीले फूल अत्यधिक प्रिय है। इस शनिवारी एकादशी के दिन अगर पीले फूल मिल जाए ना, तो उन्हें पीले धागे में
आप सभी विशेष तौर पर माला के स्वरूप में बनाकर उनके गले में धारण करा देते हैं ना, तो श्रीहरि विष्णु इससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी मनोकामना कहते हुए या तो पीले धागे की माला या मंजरी, जो कि अपने आप में अद्भुत कही गई है, जो मंजरी होती है ना, अर्थात जो जो तुलसी माँ की मंजरी होती है, तुलसी माँ में भार स्वरूप कही जाती है, तो उसी तुलसी की मंजरी को आपको श्रीहरि विष्णु के चरणों में या माला के स्वरूप में समर्पित कर देनी है। यह कार्य भी अपने आप में अद्भुत माना जाता है और सब पीड़ा कष्ट संकट और दुविधाओं का निदान करने में सहायक होता है। तो आप सभी को इस विशेष शनिवारी एकादशी के दिन यह श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे कि आपको कम से कम इस दिन एक व्यक्ति को जल पिलाना है। इस महीने जल दान की महत्वता है और सत्तू का दान जरूर से करना है। पिछले साल की गुरुजी की कथा हुई थी, उसमें आपने सुना होगा कि सत्तू के दान की महत्वता इस महीने श्रेष्ठ कही गई है। तो एकादशी से बेहतर कोई दिन नहीं है जब एक जो है सत्तू का दान किया जाए। श्रीहरि विष्णु को जो है आपको सत्तू का भोग लगाना है, महादेव को सत्तू का भोग लगाना है और साथ के साथ एक ब्राह्मण को आपको थोड़ा सा सत्तू, और सत्तू बना होता है जौ के आटे से और चने के आटे से और गेहूं, तीन सम्मिश्रित। जौ का संबंध राहु से होता है, गेहूं के आटे का संबंध सूर्य नारायण भगवान से होता है और चने की दाल का संबंध श्रीहरि विष्णु से होता है और यह सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। कहा जाता है इस महीने जो सत्तू को सेवन करता है, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में चढ़ाता है और महादेव को भोग लगाता है और ब्राह्मण को दान में दे देता है ना, तो उसके पितृ भी सुख पाते हैं और उसके जीवन में रोग दोष और जीवन में जो अलाबला चल रही होती है उसका भी निदान हो जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि इस पावन पवित्र एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर आप सत्तू का दान करें, भोजन रूप में ग्रहण करें और आवश्यक रूप से अपने जीवन में दुर्भाग्य को दूर करें। तो इस तरह से आपको सत्तू का दान करना है और प्रथम में बताए गए दो उपाय, इससे पहले भी चैनल पर तुलसी का उपाय बताया गया है, कृपया आप कभी करने का प्रयत्न करें। शनिवारी एकादशी है, पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काले तिल चढ़ाएं, शनि देवता के नाम का दीपक लगाएं, श्रीहरि विष्णु के नाम का दीपक लगाएं, महादेव के स्मरण में आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, जल चढ़ा सकते हैं, दीपदान भी लगाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। किसी भी स्वरूप में भक्तजनों आप तुलसी को स्पर्श ना करें और न ही तुलसी माता में जल चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ आप दीप लगा सकते हैं तुलसी माता में। कहा जाता है तुलसी माता भी निर्जल व्रत करती हैं और जो भी उनमें जल चढ़ाता है, स्पर्श कराता है, वह अपने जीवन में दुर्भाग्य को भुलाता है। तो ऐसी स्थिति में इन कार्यों को करने से बचें। हालांकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु आप दो दिन तक इन दिनों तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे तो तुलसी मैया सूख जाएंगी। ऐसी स्थिति में जब दुविधा विकट होती है तो एकादशी के दिन तो व्रत नहीं तोड़ना है, परंतु द्वादशी के दिन जल आप चढ़ा सकते हैं। यह शास्त्र प्रामाणिक जानकारी है। किसी व्यक्ति को, किसी भी पौधे को प्यासा रखने से बेहतर है आप द्वादशी के दिन, रविवार है, जल चढ़ा सकते हैं। कैसा लगा यह जानकारी, कैसी लगी यह वीडियो, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। हर हर महादेव लिखना ना भूलें।